नमस्कार। लक्ष्यवित भाविस गजपाल और लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको पर्यवेक्षक भर्ती जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत निकली हुई थी, पर्यवेक्षक भर्ती, खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आईपीएफएम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसे आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और इसका जो ये जो पेज है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भाविस गजपाल में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर लीजिएगा लक्ष्य विद भाविस गजपाल, सही लिखिएगा तभी आपको वहां पर मिलेगा वो चैनल में जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाजू में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन मोड पर रख लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति के बारे में, पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित। तो क्या है भाई प्रेस विज्ञप्ति में, तो देख लेते हैं क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालक संचनालय महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ नया रायपुर के अंतर्गत पर्यवेक्षक पदों हेतु खुली भर्ती एवं परिसीमित भर्ती परीक्षा 2021 दिनांक 23 जनवरी 2021 को दो पालियों में किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 3/12/2021 से 30/12/2021 तक निर्धारित है। पूर्व में यह परीक्षा 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित किया जाना था, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु यह परीक्षा अब प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। इस हेतु ऑनलाइन त्रुटि सुधार सुविधा है ना जो है, अब दिनांक 31/12 से लेकर 4/1 तक, 4 जनवरी तक कुल 5 दिवस होगी। इस अवधि में त्रुटि सुधार में अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र परीक्षा शहर में परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र और परीक्षा शहर में परिवर्तन आपको करना है कब से, 31 दिसंबर से, कल से लेकर 4 जनवरी तक। याद रखेंगे, फॉर्म फिर से खोलना है, एडिट करना है, 5 संभाग में यदि आपको दिलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने परीक्षा केंद्र का चयन नहीं किया है तो आप ऑटोमेटिक आपको दे दिया जाएगा, कहीं पर भी वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा, और आप स्वयं से भी अपने पास वाले क्षेत्र में परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः त्रुटि सुधार में परीक्षा केंद्र परीक्षा शहर की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती। जो अभ्यर्थी आज दिनांक 30/12 तक आवेदन किए हैं वे ही परीक्षा शहर में परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापम वेबसाइट के माध्यम से सभी अभ्यर्थी परीक्षा देने हेतु अपने निवास के निकटतम ठीक है जिले का चयन करें। यह सुविधा ऑनलाइन त्रुटि सुधार के समय उपलब्ध रहेगी। कृपया उक्त विज्ञप्ति परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश में मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। यह आपका डॉक्टर प्रदीप चौबे जो सलाहकार हैं, उनके द्वारा साइन करके ये प्रपत्र दिया गया है। तो इसको आप ध्यान दे दीजिए भाई, महिला पर्यवेक्षक वाले ध्यान देंगे महिलाएं, ठीक है, कि आपको 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक त्रुटि सुधार करना है, वो भी परीक्षा केंद्र में। त्रुटि सुधार के रूप में आपको फॉर्म खोलने मिलेगा और परीक्षा केंद्र में सुधार करना है, आपके नजदीकी जिले में आप परीक्षा केंद्र का चयन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाएं। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और साथ ही वीडियो में बने रहें अगले वीडियो में। पर्यवेक्षक के लिए मैं क्लासेस भी चला रहा हूं, यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं के वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर योजनाओं का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जो महिला बाल विकास की योजनाएं हैं, राज्य मत की योजनाओं को मैंने कंप्लीट करा दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।